दोस्तों इतना लोड इसमें आगे से है और इतना देखिए पीछे से है, और फिर भी सीना तान के चलती है मेरी साइकिल। सामने का व्यू कुछ ऐसा है, शानदार व्यू है। और अब कारगिल यहाँ से रह जाएगा आपका 54 किलोमीटर, जोरजिला पास 151 एंड श्रीनगर 253। चला जाता हूँ किसी की धुन में, तड़पते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में। अब इतना आता हूँ, मुझे इस चीज़ नहीं आता। दोस्तों यहाँ पे हो रही है गेहूं की खेती, और ये पता नहीं यार क्या है, फूल है शायद। दोस्तों कारगिल से पहले गांव आया है जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं और खेती भी की जा रही है, जहाँ पे खेती की। और ये है आपके सामने गेहूं, और ये खड़ी मेरी साइकिल। पर यार एक चीज़ दिक्कत होगी कि बारिश पड़ रही है हल्की हल्की, मैं भीग रखा हूँ, ये देख रहे तब मैं यहाँ पे रोका पड़ा हूँ थोड़ी देर। दोस्तों कारगिल रह गया आपका सिर्फ 18 किलोमीटर के आसपास, तो चलते हैं फटाफट क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है, अभी बारिश हुई है, अभी थोड़ा थोड़ा खुला है, टाइम से पहुँचते हैं। सुखा रखे हैं गेहूँ फूल के ऊपर, और कुछ ऐसा व्यू है देखिए। पेश है आपके सामने कारगिल की घाई। भाई सही लोग यार, आ गया मजा आ गया। दोस्तों इस मेरे एक महीने के टूर में मैंने सबसे ज्यादा हरियाली कहीं देखी है, तो वो मैंने देखी है पुष्किम गांव, पुष्किम जो कारगिल से 12 किलोमीटर पहले है। दोस्तों फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है कारगिल। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं आपका कारगिल, और अभी मैं बैठा हूं गुरुद्वारे के सामने, क्योंकि मैं कर रहा हूं बाबा जी का इंतजार, चूँकि यहां पे रूम देते हैं। अब देखते हैं कि वो जब आएंगे तो ये पता चल पाएगा कि यहां पे रूम मिलता है या नहीं, क्योंकि वो भी बाहर गए हैं। अब मैं देखता हूं कितनी देर में आते हैं, मैं बैठ पाऊँ बाहर, फिर मिलता हूँ आपको।